भाई साहब, इस तरह से पहुंच चुके हैं हम इस बड़े वाली बिल्डिंग में और यहीं हमारा रुकना होने वाला है। तो भाई साहब, फिलहाल मैं इम्फाल में हूँ। इम्फाल में ये प्रिंट करवा रहा था मैं, ये स्टिकर्स हैं जिसे कहीं पर भी जाते हैं तो इसको अपन चिपका सकते हैं और अपने चैनल का नाम वहाँ पर प्रमोट हो जाएगा। तो अपन जो जर्नी कर रहे हैं, भारत यात्रा जो वॉकिंग एंड न्यू ट्रैकिंग से कर रहे हैं, तो ये इसके लिए मैंने प्रिंट करवा लिया क्योंकि पुराना जो मेरा बैनर था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। अभी कौन सी जगह अभी तो ले लिया मैंने हाथों के लिए बैंडेज और कुछ दवाइयाँ। और आपको बता रहा हूँ आज का दिन का ना खर्चा हो गया, बहुत खर्चा वाला दिन है। खर्चा 4 डिजिट में हुआ है, 1200 रुपए आज का टोटल खर्च है। तो आपने हमारे पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे हमने नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करा। नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने के बाद मणिपुर, नागालैंड, आसाम, बंगाल और बिहार के रास्ते मैं पहुंच चुका हूं झारखंड। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हम झारखंड के आसपास की जो चीज़ें हैं जैसे कि वाटरफॉल एक्सप्लोर करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। तो जी भाई साहब, पिछले बहुत दिनों से कहने का मतलब जब मैं लास्ट मणिपुर से निकला, वो वीडियो आपने देखी होगी, और मणिपुर से निकलने के बाद ना मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। नागालैंड क्रॉस हो गए, असम क्रॉस हो गए, वेस्ट बंगाल क्रॉस हो गए, बिहार क्रॉस हो गए। अब भी राइट नाउ मैं झारखंड में हूँ और झारखंड के पास रांची के पास मतलब एक छोटी सी जगह है, फिलहाल वहाँ पर हूँ। और बस आज देखेंगे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। हमारे जो होस्ट है ना, मतलब जिनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, हुआ क्या, मतलब आपने देख ही लिया कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कैसे मैं यहाँ पर पहुँचा। तो ये हैं अपने अक्षय भाई, और थैंक यू सो मच सबसे पहले तो welcome. बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके घर पर रुके हैं और सबसे अच्छी बात क्या बताऊँ, सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी एक यूट्यूबर निकले। तो मतलब यार यूट्यूबर और ट्रैवलर प्लस, मतलब ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया? अभी मैंने जस्ट रसिया का सीरीज कंप्लीट किया, रसिया गया था, तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल भी भाई करके। रसिया गए हैं, मतलब मैं अभी अपन इंडिया से बाहर निकले नहीं है और भाई से मुलाकात हो गई, बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई। कल रात को जैसे मैं आया था इनके पास, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी और मजा आ रहा था। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम लोग जाएंगे रांची का बहुत फेमस वाटरफॉल है जोना वाटरफॉल्स, तो जोना फॉल्स हम लोग जाने वाले हैं अभी। तो भाई आज भैया हमको घुमाएंगे पूरा रांची के आसपास का एरिया, तो चलिए वाटरफॉल दिखाते हैं और मजा आएगा। इनके चैनल को भी पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और रशिया वाली सीरीज देखो यार, और कमेंट करो कि हमारे चैनल से गए हो आप लोग। हेलो बोलो। हेलो, डर रहा भाई, क्या नाम है आपका? बोलता नहीं है ना अभी? बोलता है। मेरा नाम बोलो लियोनार्डो है। लियोनार्डो दा विंची। फिलहाल हो चुका है भोजन का समय और यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। ये नॉर्मल चावल दाल है, ये मतलब घर का चावल है ना, ये घर का चावल है। बाकी भिंडी है, आलू चना है, ये क्या है? ये जो भाजी होता है, लाल भाजी। अच्छा अच्छा, उसका डंडा का सब्जी। ओके, और ये यूनिक चीज़ है, ये देखिए रशिया से भाई साहब लाए हैं अचार। ये रशिया से अचार, ये मशरूम का है ना? वो भी रशिया का ही है। क्या बात है, और ये अपना देसी अचार। तो इतना सारा भोजन कर रहे हैं अक्षय भैया के यहाँ। ये तो बाहर से लाए हैं, विलायत से लाए हैं, तो गांव में विलायत की चीज़ भी खाने को मिल रही है और मज़ा आ रहा है। बाकी कल मिले और अभी मतलब बहुत अपनापन सा लग रहा है, तो बस भोजन वोजन कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये अक्षय भैया के पुत्र है, सुपुत्र है, और इनका पता है इतना छोटा यूट्यूबर मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये इसका चैनल चल रहा है, देखो बकरी से खेल रहा बाबा। हेलो सर, ऑटोग्राफ। मुसाफिर सोमेश, आज हम लोग जा रहे हैं जोना फॉल बाइक के थ्रू, और आज का मौसम बहुत अच्छा, आप देख सकते हो।
जी भाई साहब, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसे स्पॉट पे जहां से जोना वाटरफॉल जाया जाता है। ये गेट है और इस तरफ से आया लगभग 35 किलोमीटर। अगर आप रांची साइड से भी आते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन मतलब बस यही तक छोड़ेगी आपको। यहां से आपको जाना पड़ेगा लिफ्ट मांग के, या फिर ऑटो बहुत ही कम चलते हैं, बुकिंग करके आपको जाना पड़ेगा। ये इधर रांची से बस आती है? हाँ। कितने टाइम तक आती है, मतलब दिन में कितनी बस चलती होगी? सुबह में आपका राधे शाम आती है, 7:15 यहाँ पर पहुँचती है। अच्छा अच्छा, टेम्पो ऑटो सब आते रहते हैं? ऑटो वगैरह है, बीच बीच में ऑटो अच्छा। है, सवारी है। तो यहाँ से जैसे जाना है अपने को वाटरफॉल, तो कितना? यहाँ से आप जोना फॉल अगर जाइएगा तो मंगलवार और शनिवार को ऑटो चलती है बस। बाजार है उसी बाजार के दिन? अच्छा, उस दिन बाजार है तो उस दिन मंगल और शनिवार को यातायात का साधन है, फॉल तक जाती है आती है। और कितना टिकट लेते हैं यहाँ से? वही 10-20 रुपये का लगभग। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर वाटरफॉल की टिकट आपको अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी, 10 रुपये टिकट का प्रवेश शुल्क, और ऐसा कुछ है झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो चलिए भैया, 20 रुपये दे दिया हमने भाई साहब ने, और निकलते हैं आगे की ओर। अरे मस्त लग रहा है भैया। भाई साहब, ऐसा कुछ यहाँ पर फूड स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं फिलहाल, लेकिन कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। नीचे आपको दुकानें मिल जाएंगी और यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है। पार्किंग चार्ज है क्या भैया? कितने रुपए पार्किंग चार्ज? 15 रुपये। तो भाई बाइक का 15 और उसका कार का 25 रुपये। तो 25 रुपये और 15 रुपये ऐसे आपको चार्ज यहाँ पर भी देना पड़ेगा। अभी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा कम से कम 500-600 सीढ़ी होंगे। अरे तो नीचे जा रहे हैं फिलहाल। सीढ़ियाँ मतलब बहुत अच्छी बनाई गई हैं यार, तो आपको बारिश में भी आते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है। बाकी जंगलों के बीच, प्रकृति के बीच झारखंड में, मतलब झारखंड को लोग सोचते होंगे कोयला और गर्मी धूप, तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पर। उनमें से आज एक को देखने आए हैं, मज़ा आ रहा है, और फिलहाल दिखाएंगे आपको नीचे चल के वाटरफॉल्स। बाप रे, 350 सीढ़ी का भैया हालत ख़राब हो गई पूरा। अरे बाप रे, भयंकर मेहनत कर दी है आज। 350 सीढ़ियाँ मतलब बहुत नीचे यार, उस साइड अपने को जाना है, यहाँ से दिख नहीं रहा है क्लियर। तो पानी तो फिलहाल गंदा है, लेकिन चलिए जैसा भी है दिखाते हैं। मॉनसून स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी जो है ना, फिलहाल तो मिट्टी वाला है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जंगली फल है एक प्रकार का, तो ये मिलता है। कितना कितना है इसका कटोरी का? 10 रुपया। 10 रुपया हाँ के खरीदते हैं। कम टू जोना फॉल्स, अगर आप रांची के आसपास कहीं भी आते हैं ना तो विजिट दिस फॉल। जो अक्षय भाई ये बता रहे हैं कि मतलब जनवरी में बहुत भीड़ रहती है ना, बहुत पूरा भरा हुआ, मतलब पूरा पैक रहता है, जैसे न्यू ईयर और जो क्रिसमस का टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिलहाल तो शांत है वाटरफॉल, बहुत ही कम टूरिस्ट हैं इस तरफ, जैसे आप देख सकते हैं बहुत कम टूरिस्ट आए हैं। उधर कुछ भी है लोग हैं, बाकी स्कूली स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी अपने मोहब्बत वाले जो कपल लोग हैं वो लोग भी फिलहाल मतलब पधारे हुए हैं कुछ, तो अच्छा है, मतलब अच्छा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और मज़ा आ रहा है। फिलहाल चिल करके बैठे हुए हैं अपन इन वादियों के साथ, इनका मज़ा लेते हुए। हाँ। अरे बाप रे, तो इधर तो कोई आता ही नहीं होगा। बहुत दिन बाद मैं ऐसा टाइप का कुछ वाटरफॉल देख रहा हूँ। बाकी अपन जो नॉर्थ ईस्ट में देखते थे वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है वाटरफॉल, या फिलहाल पुल क्रॉस हो रहा है और हमें तो थोड़ा सा डर लग रहा है, टूट टूट मच जाए ये पुल हमारे वजन से। हो गया भाई क्रॉस। भाई यहाँ पर जिप लाइन भी ना बनी हुई है, मतलब वहाँ से आपको कहीं जिप लाइन से आप यहाँ तक आओगे, लेकिन फिलहाल ये बंद है, तो अपन इस साइड से घूम के जा रहे हैं। यहाँ से ऐसा करके वो वहाँ पर पुल बना हुआ है, वहाँ से निकलेंगे ऊपर उस तरफ। यहाँ पर हम लोग जा ही रहे थे कि ये दादा लोग ना मस्त यहाँ पर ये बना रहे हैं, क्या है, लकड़ी से, प्योर लकड़ी से बना रहे हैं, और यहाँ से बाँस से कुछ कुछ बना रहे हैं। कितने का दादा ये? 50। और कितना टाइम लगता है एक को बनाने में? 1 घंटे में बना लेते हैं। तो भाई खरीद सकते हैं यार ये, आप सजा सकते हैं रूम में,
अच्छा खासा यहाँ पर अपनी मोहब्बत की फ़ोटो लगवाइए, इसमें फैमिली की लगवानी फैमिली की लगवा लीजिए। मतलब मस्त नीचे से फॉल से आए और यहाँ पर फ़िलहाल बैठे हुए थे। फैमिली फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत शानदार जगह है, खूबसूरत जगह है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट ये सब भी कर दीजिए। बाकी भाई साहब हैं, इनके चैनल का नाम अक्षय सुमन जी है, नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो। रशिया घूम के आए हैं तो थोड़ा सा प्यार इन्हें भी दो, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, रिकमेंड करते हैं आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे, इनका भी वीडियो देखना, ये बहुत मस्त वीडियो है। बहुत मस्त वीडियो तो हम बनाते ही हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद। ये है सीता फॉल्स, रांची से दूरी 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं।